करते हैं उसी को आगे लेकर हम काम करेंगे और आपको जयपुर हेरिटेज नगर निगम में एक साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देखने को मिलेगी। देखिए मेरी प्राथमिकता है कि जयपुर स्वच्छ हो, सुंदर हो और इसमें जो आज आप देखेंगे कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं वो जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि वो सब कुछ ठीक हो जाए। मैम, आप जिन मुद्दों को लेकर अब तक धरना प्रदर्शन किया करते थे, क्या अब उन समस्याओं का समाधान होगा? देखिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। जो संगठन ने और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है मैं उस पर खरी उतरूँगी और मैं पूरे संगठन का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा। मैडम, 10 नवंबर 2020 को आपके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी थी लेकिन आज खुश नजर आ रहे हैं आप। देखिए हमेशा आप देखिए कि जो भी सच्चाई होती है उसे संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के बाद जीत अवश्य होती है। मैडम, बागी होके चुनाव लड़े फिर भी पार्टी ने भरोसा जताया आपके ऊपर? देखिए मन से हमेशा भारतीय जनता पार्टी की हूँ और आपको सभी परिस्थितियाँ ध्यान है, मैं हमेशा अपने पार्टी और संगठन के साथ। हेरिटेज नगर निगम में अब जो हालात है वो सुधरेंगे मैम, क्या कहते हैं? देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे, हम सभी पार्षद मिलके, हम 99 पार्षद हैं, हम सभी मिलके कोशिश करेंगे कि जयपुर की जनता के लिए और जयपुर के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। पार्षद भी आपके साथ आए कुछ? बिल्कुल, कांग्रेसी पार्षद बहुत, क्योंकि आपने देखा जैसे आपने भैया ने बताया कि 10 तारीख जब थी वो इतने उस समय उत्साहित थे, उनको लगा था कि कुछ काम होगा लेकिन कांग्रेस ने उनको इतना निराश किया कि वो 4 साल में बिल्कुल टूट गए थे और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। आप विश्वास कैसे करेंगे? क्योंकि प्रताप सिंह कह रहे हैं ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है, उन पे विश्वास कैसे करेंगे? देखिए हम तो हमेशा सत्य पे विश्वास करते आए हैं, सत्य पे विश्वास करते हैं और मैं मानती हूँ कि वो लोग भी अपने राम को अपने सर पे रख के हमारे साथ आए। क्या आप कॉन्फिडेंट थी कि आप ही कारवा की मेयर बनेंगी? देखिए ये सब संगठन का फैसला है, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। संगठन ने जो भी कहा, जैसा भी मुझे आदेश दिया है वो मैंने पूरा किया है और संगठन ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं अपने तन मन धन से इसे निभाने की कोशिश। लगता है कि हेरिटेज में सुधार होगा कामों को लेकर, सफाई, सीवरेज, सड़क? देखिए अभी मुझे जैसा जितना टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल साफ सुथरा काम हो और जयपुर शहर चमके, हेरिटेज को हेरिटेज ही रहने देंगे। 60 दिन का आपका समय है, 60 दिन का, लेकिन 60 दिन में आप क्या तस्वीर बदल देंगे? देखिए अभी क्योंकि ये 60 दिन का समय आप बोल रहे हो, जितना भी मुझे समय मिलेगा मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी कि मैं जयपुर शहर में सबसे पहले जो हमारे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं उनको जल्द से जल्द ठीक कर पाऊं, उनको हमारे जो गड्ढे हैं उनको सही करवा पाऊं, रोड बनवा पाऊं और मेरे मन में तो बहुत सारी कुछ है लेकिन जितना समय मिलेगा मैं अपना 100%। कब ज्वाइनिंग करेंगे? देखिए अभी सभी बड़े लोगों से बात करेंगे और जो भी मुझे आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग। दिवाली सर पर है और शहर के हाल खराब है, दिवाली के लिए सजाएंगे ढंग से शहर को, तैयारी करेंगे? देखिए दिवाली तो आज भी देख सकते हैं आप, आ गई है, रामराज की स्थापना हो रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार आपके बीच जयपुर शहर में आ चुकी है, तो जल्द ही आपको जयपुर शहर में नए नए अच्छाइयाँ और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके साथ आएंगे जब फ्लोर टेस्ट होगा या फिर आपको महापौर के लिए कार्यवाहक की बजाय नियमित महापौर के तौर पे देखा? देखिए जब से बोर्ड बना था कांग्रेस का सभी लोग बहुत त्रस्त थे और सभी लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है, आज 8 लोगों ने ज्वाइन किया है, जल्दी बहुत सारे लोग और ज्वाइन करेंगे। ठीक है मैम। यहाँ पर है मुने कह सकते हैं कुसुम यादव। मैम सबसे पहले आपको बधाई और किस तरह देखते हैं इस जिम्मेदारी को? देखिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जयपुर शहर का जिम्मा मुझे संगठन ने दिया है, मैं कोशिश करूंगी कि अपना पूरा 100% देकर जयपुर शहर को चमका सकूं। मैडम समय बहुत कम है, 60 दिन का समय है आपके पास। बिल्कुल 60 दिन का समय है लेकिन जो भी होगा मैं पूरा कोशिश करूंगी। ये देखिए कुसुम यादव यहाँ पर पहुँची है और देखिए स्वागत बीजेपी मुख्यालय यहाँ पर पहुँची है, ये तस्वीरें देख लीजिए, जयपुर की तस्वीरें हैं, बीजेपी मुख्यालय वो पहुँची है और उन्होंने कहा है कि देखा कुसुम यादव, क्योंकि देखिए कार्यवाहक मेयर बन गए हैं, कुसुम यादव को बनाया गया कार्यवाहक महापौर, ऐसे में उन्होंने अपनी बातें कही, उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और काम बेहतर होगा।